हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिलिनी डायरीज। हम लोग आज आए हैं ट्राउट लेक फार्मर्स मार्केट। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्राउट लेक फार्मर्स मार्केट। हम लोग इससे पहले भी फार्मर्स मार्केट गए थे, आप लोगों को पता होगा जिन्होंने हम लोग का पहले वाला वीडियो देखे होंगे। ये जो फार्मर्स मार्केट है ये घर से थोड़ा सा दूर है, बहुत ज्यादा नहीं, बट देन ये मार्केट जो है ये काफी बड़ा फार्मर्स मार्केट है। फार्मर्स मार्केट का कंसेप्ट यही है कि जो फार्मर्स लोग हैं वो डायरेक्ट फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आते हैं फील्ड से और यहाँ पे सेल करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए थे अपने घर के सामने वाला जो फार्मर्स मार्केट था और वहाँ पे हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा फार्मर्स मार्केट जाके, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग अभी फार्मर्स मार्केट से ही अपना ग्रॉसरी जो है वेजिटेबल्स वगैरह ये सब शॉपिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक्सप्लोर करते हैं ट्राउट लेक फार्मर्स मार्केट और अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या शॉप है और कितना सारा डिफरेंट वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स हम लोग को मिलता है। आज एक्सप्लोर करते हैं ट्राउट लेक फार्मर्स मार्केट। ये आज वेदर जो है ना बहुत अच्छा है, आज बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। बीच में दो दिन थोड़ा सा रेन हुआ था तो इसीलिए ठंडा फिर से बढ़ गई थी यहाँ पे, लेकिन आज का वेदर थोड़ा सा अच्छा है। तो हम लोग जो इससे पहले फार्मर मार्केट गए थे उस दिन काफ़ी गर्मी थी और हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही थी, बट आज का वेदर अच्छा है इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर ज़्यादा इन्जॉय करने लगता है। तो यहाँ पर ना बहुत सारा खाने का सामान भी मिलता है, मतलब क्रेप्स वगैरह मिलता है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है आज एक्सप्लोर करने के लिए। यहीं से स्टार्ट होती है, ये सारे वैन से खाने का यहाँ पे डिफरेंट खाना सब मिलता है। तो हम लोग कुछ देर में ब्रेकफास्ट करने भी आएंगे, पहले एक बार मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देखो डिस्को चीता है, डिस्को चीता कोरियन ग्रिल है, ये वो वाला वियतनामीज है, ये कोरियन ग्रिल है। और ये है जैक एंड बीन, ये कॉफ़ी है, बेसिकली कॉफ़ी मिलता है यहाँ पर। आएंगे देखने के लिए, कॉफ़ी का बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है यहाँ से। हाय, इतना सारा चेरी टोमेटोस है, कितना फ्रेश है ये टोमेटो। यहाँ पे ये टोमेटो देखिए कितना डिफरेंट वैरायटी का टोमेटो है, डिफरेंट कलर का टोमेटो है यहाँ पे। चलिए अंदर चल के देखते हैं, कितना फ्रेश है यार, ऑर्गेनिक है, कितना फ्रेश है वेजिटेबल्स। सी द बीट्स, सो फ्रेश। एक बीट ले लेते हैं ऑर्गेनिक वाला अपना। सी द कलर। और ये है कैरेट्स, ये कैरेट्स जो है सैलड में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। सी द ब्रिंजल साइज, और ऐसा भी ब्रिंजल ये हम लोग के इंडिया में भी मिलता है ना, इस टाइप का ब्रिंजल। हाँ, और ये साइज छोटा है। सो आप लोग ब्रिंजल कैसे खरीदते हो मुझे बताना, मुझे जहाँ तक आइडिया है ब्रिंजल हाथ में लेके अगर वो हल्का लगता है देन वो वाला ब्रिंजल काफ़ी अच्छा होता है क्वालिटी वाइज। ये हल्का है बहुत। यहाँ पे ना वेजिटेबल इतना फ्रेश मिलता है ये फार्मर्स मार्केट में, आपको आके लगेगा कि आप सब कुछ खरीद लो। हम लोग पहले सुपरमार्केट से लेते थे बट जब से हम लोग को फार्मर्स मार्केट का वेजिटेबल्स दिखा इतना फ्रेश रहता है कि अभी हम लोग सोचे कि फार्मर्स मार्केट से ही अपना वेजिटेबल्स लेंगे। $1.6 ऑर्गेनिक जुकीनी, ऑर्गेनिक जुकीनी ये पता नहीं कैसे खाते, ये बहुत यहाँ पे मिलता है। आप लोगों को आइडिया है ये क्या चीज़ है, मुझे एकदम भी आइडिया नहीं है। आप लोगों को पता है तो आप लोग एक बार मुझे बताइएगा क्या चीज़ है ये। ग्रीन जिब्रा, ओके, सो कैन आई यूज़ इट इन कुकिंग और हैव टू यूज़ इट एट रॉ? इट्स वेरी स्वीट एंड जूसी। ओह, इज इट? आई लाइक दैट वन इन सैलड्स एंड सैंडविचेस, थिंग्स लाइक दैट। या, ग्रेट, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? दैट्स रेड जिब्रा। रेड जेब्रा, ये जो सारे टमेटोस हैं हम मैं भी पूछी अंदर पे, तो ये है कुछ येलो जेब्रा टमेटो और ये है रेड जेब्रा। तो ये सारे जो टमेटोस हैं ये सैलड में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी जूसी एंड स्वीट होता है, तो मैं एक बार लेके ट्राई करके देखूंगी। बहुत सारा वैरायटी ऑफ टमेटोस है यहाँ पे, तो मुझे इतना सारा डिफरेंट टमेटोस का आइडिया भी नहीं है। देखिए किसका कलर और शेप कितना डिफरेंट, मतलब शेप तो सेम है बट कलर कितना डिफरेंट है, टेक्स्चर कितना डिफरेंट है। सो बकेट ऑफ चेरी टमेटोस, मेरा ऑल टाइम फेवरेट, ये मैं लूँगी एक बकेट यहाँ से। मैं सोच रही हूँ कि सब टमेटो ऐसे ही दो दो टमेटो लेके ट्राई करके देखती हूँ। ये एप्पल देखिए, सी द एप्पल साइज, ये लिटरली छोटा छोटा है और ये बहुत स्वीट होता है खाने में। मैं पहले एक बार खा चुकी हूँ ये वाला एप्पल, ये देखिए ये वाला एप्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, और ये लिखा है कि बहुत स्वीट है ये वाला एप्पल इट सीम्स। सो लेके देखूंगी, एप्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है।
$60 का groceries. रेडिश है, ये रेड रेडिश है, ये वाइट है. सैलेड में डाल के खाते हैं. ये क्या है एक्चुअली? ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में. इसका कुछ नाम तो है. ये ग्रीन्स करके लिखा है, इसको सैलेड में डाल के खाते हैं. ये बहुत अच्छा लगता है. ये वाला लीफ मैं एक बार ट्राई की थी सैलेड में. यहाँ पे देखिए छोटा छोटा स्मॉल पोटैटोस है. आई विल टेक वन रेडिश फ्रॉम हियर. ये देखिए छोटा जो रेड कलर का अपना रेडिश है वो ऐसा वाला आता है यहाँ पे. मोस्टली ये लोग यहाँ पे ये सैलेड में डाल के खाते हैं. तो मैं ये दो बंडल ले रही हूँ रेडिश का. इतना छोटा वाला पोटैटो, इतना छोटा पोटैटो. मेरा हाथ देख के अभी लग रहा है कि मैं फार्मर्स मार्केट से शॉपिंग कर रही हूँ. ये सारे जो है ना, ये नॉर्मली फार्मर्स लोग लेके आते हैं, इसीलिए इतना इसमें कीचड़ ये सब जो मिट्टी है लगा हुआ है. नॉर्मली ये सब सुपरमार्केट्स में जब मिलती है सब धुल के एकदम फ्रेश होके पूरा पैकेट में मिलता है, इसलिए कोई भी आपको मिट्टी वगैरह नहीं मिलता है यहाँ पे. बट यहाँ पे जो है फार्मर्स मार्केट से ले रही है, इसलिए देखिए कितना मिट्टी लगा हुआ है. और मेरा हाथ का हालत भी देखिए. So I'll take one bunch. How just much make it is? Sure which is which. You can tell by giving it a bit. Yeah, this one, coriander. Smell. Yeah. Yeah, this is cilantro. Fine. Yeah, cilantro. Yeah. Yeah. I'll take one. Beans, जो है ये काफी fresh है. और अभी पता चला इनसे कि ये जो है ये मतलब कल का हार्वेस्ट किया हुआ है. जस्ट कल का है. देखिए आप बीन्स कितना फ्रेश है. यहाँ पे सॉफ्ट है और बहुत फ्रेश है. और यहाँ पे है ना, हम लोग के इंडिया जैसा जो कोरिएंडर का, आप लोग को किसी को पता होगा जो कोरिएंडर का अपना मिलता है ना, जो टेंडर कोरिएंडर जैसे स्टार्टिंग में रहता है ये टाइप का, जिससे फ्लावर निकलती है. और ये पतला वाला जो कोरिएंडर लीव्स आता है, जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग अपने इंडिया में हम लोग इसको देसी लीव्स बोलते हैं. तो देसी पत्ता जो बोलते हैं हम लोग कोरिएंडर का, वो यहाँ पर मिल रही है. ज़्यादा पत्ता नहीं है, मोस्टली ये फ्लावर्स है जो सीड्स है. और यहाँ से फ्लावर निकलेगी अभी, तो ऐसे फ्लावर्स निकलती है इस टाइप का वाइट कलर का फ्लावर्स निकलती है. तो ये यहाँ पे मिल रहा है. और ये तो एक्चुअली मैं इंडिया में मुझे मिलता है फ्लावर्स के साथ, जब पत्ता के साथ मिलता है तो मैं यही वाला लेके आती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. और यहाँ पे नॉर्मल कोरिएंडर अपना ऐसा भी मिल रहा है, तो मैं ये एक बंच ले लेती हूँ कोरिएंडर. You might want to know, it's grown just in Vancouver in Olympic Village. How far is the village from here? Oh. Sorry, I'll just take this. Okay, that's not very far. No, not far at all. Okay. It's we have 3 acres of land. You know where the Canby Street bridge is? Right, yeah. It's almost, if you were looking east on the bridge, it's right there. Okay. There's a large vacant lot that the police use, so you'll see a bunch of police cars. Okay. There's another car dealer, and then you'll see us. You'll see 4 long greenhouses, and then containers like you see on the, okay. This is a mustard mix, mustard green. Okay, mustard greens. Okay. Scarlet frill, golden frill, mizuna, and I think like tot soy. So you use it in salads, right? Yeah. Okay. You could saute it if you wanted to, or add it to a soup or a stew, but generally people use it as a salad. Oh, great. And what about this one? That's garlic kale. So it's an Ethiopian, it was created in Ethiopia. There's another name for it, but I can't remember what it is, but okay. We call it garlic kale. And okay. it's just like regular kale, but it has garlic flavor. Okay. You can eat it raw in a salad, or you can cook it. Cook it also? Yeah. Oh, great. I'll take this one. So ye garlic ka ye leek hai. If you would like to take a leaf, and taste it now. This so you one? Have an idea. Yeah. Just take one leaf and I'll just take the whole leaf. Maybe as a small one I'll take. This one? Yep. So, ek bar try karke dekhti hu. Isme garlic ka smell hai, it seems. It's very tasty. Yeah, I like it a lot. This is the first year we've grown it. It's very popular. It's really tasty. बहुत टेस्टी है. इसमें गार्लिक का स्मेल है ये. और ये आप सैलड में डाल के खाइए, या फिर इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं. इसमें ना गार्लिक का स्मेल आ रहा है. बहुत टेस्टी है, बहुत टेंडर है, बहुत टेस्टी है. खा के देखना. टेस्टी है ना? Right. It's not overly garlicky, but it's great. But, yeah, it's very nice. I didn't know this. I'll take this one.
I liked it actually. Yeah. This one and this one. These two bags I'll take. Yeah. And the one behind it is a leaf lettuce mix of. It's not bitter. It's pretty bland. It's not bland, but okay. You know, it's just an unspicy lettuce. Thanks for the information. I didn't know how to use it, so I never used to take this one. Oh, that's okay. Well, we're glad to answer any questions you have if we know the answer. If we don't know the answer, we say sorry. You got some potatoes? Yes, potato and some radish. They're beans. Really good potatoes. I don't know if you've had that type of potato. If you cook them, roast them, when you cut into them inside, it's almost like mashed potatoes already. Oh, is it? Oh, yeah. Really creamy, really, really almost buttery tasting. Oh, yeah, sorry. Hi. This person, not me. कितने different type का papers हैं यहाँ पे देखिए ये capsicum का color देखिए so different हम लोग जो normally अपना India में जो capsicum मिलता है उससे कितना different है color इसका shape भी बहुत different है बहुत सारा है ऐसे different यहाँ पे इस type का देखिए ये तो normal red type का है but ये बहुत different है ये भी बहुत different these are the capsicums or what is this actually what do you call sweet pepper Yeah, these are sweet peppers. Oh, okay. All of these are sweet. Okay. It's so different, right? Yeah. Chocolate candy cane? Yeah, I think so. Yeah. Flowers. यहाँ पे कितने flowers हैं? कितना beautiful है ना flowers यहाँ पे? तो ये है अपना marigold बोलते हैं ना गेंदा फूल. तो गेंदा फूल का कितना beautiful और कितना बड़ा size है देखिए. बहुत बड़ा size है. Wow. बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है फ्लावर का ये सारे फ्लावर जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्लावर्स है तो स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है फ्लावर्स का दीज आर डालियास क्योंकि इंडिया में होता है ना जो विंटर सीजन में इतना बड़ा बड़ा डालिया जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में मुझे अच्छा तो लगता है फ्लावर्स बट देन कहाँ रखे मतलब रखेंगे कहाँ पे लेके और एक वेजिटेबल का शॉप आ गया है इधर पे देखिए ये देखिए कैप्सिकम का कलर फिर से इधर डिफरेंट कलर का कैप्सिकम है ग्रेप्स है ये सारे क्यूकम्बर लेना है घर पे क्यूकम्बर नहीं है तो क्यूकम्बर चाहिए था और ये अपना ऐसा जो है ना क्यूकम्बर कैलकाटा में बहुत मिलता है इस टाइप का क्यूकम्बर छोटा छोटा क्यूकम्बर तो यहाँ पे भी मिल रहा है ये वाला लेती हूँ मैं बैगन का भरता आप लोग घर पे बनाते हो मैं भी बनाती हूँ बैगन का भरता नहीं सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं छोटा वाला बैगन से जो बनता है ना क्या बोलते मैं मुझे नाम ही नहीं मैं भूल जा रही हूँ उस डिश का नाम क्या है इतना छोटा छोटा बैगन से जो बनता है ग्रेवी टाइप का मैं भूल ही गई क्या बोलते हैं उसको तो वो मैं घर पे बहुत बनाती हूँ यहाँ पे छोटा छोटा ऐसा बैगन का जो है बहुत है देखिए इतना छोटा छोटा है इससे भी छोटा है ये देखिए ये मैं एक बंच ये वाला ले रही हूँ और पोटैटो तो चाहिए तो नॉर्मल वाला पोटैटो एक ले लेती हूँ पोटैटो जो है यहाँ पे स्मॉल भी है बिग पोटैटो जो है $5 है एक बैग का और स्मॉल वाला जो है ये $6 है स्मॉल वाला का प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना स्मॉल वाला पोटैटो रोस्ट करके खाते हैं बहुत फेवरेट होता है उन लोगों का मैं वो वाला नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ से अपने हिसाब से अपने हिसाब से साइज़ निकाल के ले रही हूँ यस इस टाइप का साइज़ दूँगी मैं वहाँ पर बहुत छोटा छोटा भी है सो दिस इज़ गुड हेपनरो पेपर कहते हैं तो ये ना बहुत तीखा होता है तो मैं एक बार ट्राई करके देखूंगी जस्ट दो ही ले रही हूँ मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ ये 50 सेंट करके है ईच तो $1 होगा ये दो लेके देखती हूँ स्वीट कॉर्न लेना है यहाँ से और यहाँ पे अच्छा वन है $2 का और तीन अगर लेते हैं तो $5 का है ब्रोकली लेते हुए ये देखिए ब्रोकली का साइज़ देखिए कितना बड़ा ब्रोकली है ऑनियन ओके डन हाय ये कॉलीफ्लावर देखो जैसे येलो कलर का कॉलीफ्लावर है यहाँ पे भी कोरिएंडर मिल रहा है ये वाला कॉलीफ्लावर देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है देखिए इसका ये वाला डिज़ाइन देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कितना टेंडर है ये सब बीन्स ये येलो कलर का बीन्स है ये ब्लैक कलर का है और बहुत टेंडर है बहुत टेंडर है ये सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर्स है जो हम लोग अपने इंडिया में खाते हैं मोस्टली हम लोग वाइट वाला खाते और ब्रोकली अभी तो इंडिया में ही मिलता है लेकिन ये देखिए ये येलो कलर का है और ये है ग्रीन कलर का ही जैसे हम लोग वहाँ पे दिखाए थे तो चलिए और भी एक्सप्लोर करते हैं आप देख ही पा रहे हो कितना बड़ा मार्केट है ये जो स्प्रे है ये सब डिफरेंट एरोमा का स्प्रे है और सब हर्बल प्रोडक्ट है और ये सिर्फ आप अपने मतलब बॉडी पे ही नहीं आप अपने चाहो तो डिफरेंट पिलोस पे या फिर आपके बेड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो ये सब स्प्रे ये रेडिश जो है ना मुझे सैलेड में इतना अच्छा लगता है खाने में और बहुत टेस्टी होता है देखिए छोटा छोटा
ये कितना करके है? $5 का है, दो लेती हूँ मैं, $10, ये दो लेती हूँ। ये काश हम लोग इंडिया में भी ऐसा ही होता कि फार्मर्स लोग लेके ऐसा कोई मार्केट में मार्केट होता जहाँ पे फार्मर्स लोग डायरेक्ट आके अपना सेल कर पाते। यहाँ पे जो है मोस्टली जो भी यहाँ पे हैं जो ग्रोअर्स लोग हैं वही लोग लेके आते हैं और सेल करते हैं। और हार्वेस्ट जो है ये कल का ही किया हुआ हार्वेस्ट है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द जो वेजिटेबल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए इतना फ्रेश रहता है वेजिटेबल्स यहाँ पे। हम लोग के इंडिया में मुझे लगता है ये होना चाहिए, मुझे नहीं आइडिया कि इंडिया में ऐसा कोई है कि नहीं हर सिटी में हर जगह पे। यहाँ पे जैसे कि वैंकूवर में ही बहुत सारा जगह पे आपको ऐसे फार्मर्स मार्केट मिलती है जहाँ पे जाके मतलब ये लोग डायरेक्ट लेके आते हैं। और यहाँ के गवर्नमेंट जो है ना इसको बहुत ज़्यादा मतलब मार्केटिंग करते हैं, हाँ इनक्रेज भी करते हैं कि आप लोग यहीं से खरीदो सामान। सो टोमेटो वहाँ से जो मैं ली थी वो पूरा मैं ले ली थी, यहाँ पे भी मिल रहा है अच्छा, तो मैं यहाँ से भी थोड़ा सा ले लेती हूँ टोमेटो। यहाँ पे सैंडविच स्प्रेड मिल रहा है, तो ये सारा ये स्मोकी एग प्लांट है और ये है चिलीज, सो प्रिजर्व चिलीज। और वहाँ पे भी कुछ कुछ है और भी डिफरेंट, ये बबीक्यू वाला है और इधर पे है रोमेस्को, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। तो ये सारे यहाँ पे मिल रहे हैं, हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है। ओके Romesco, okay. Spicy eggplant, okay. Pickled pepper and barbecue sauce. Standalone sauce, or if you want to mix it in with your barbecuing or pasta, it just adds nice flavor. What is this? Hmm, nice. Smoky eggplant. Correct. Tasty. Yes. Thank you. And also the preserved lemon adds a depth of savoriness to it as well. Hmm. ये बारबेक्यू है, ये थोड़ा सा मीठा है बारबेक्यू वाला। एंड दिस इज चिली राइट? इट इज, इट्स अ रोस्टेड रेड पेपर, यू जस्ट टेक द होल थिंग, इट्स स्वीट एंड देन अ लिटिल बिट हॉट बट नॉट टू हॉट। ओके, आई डोंट माइंड टू हॉट, आई डोंट माइंड टू हॉट, आई नो यू आर गुड विद द हीट। ओके, हाउ हॉट इज दैट? वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी चिली वन, क्रेवेबल। थैंक यू, बहुत टेस्टी है। चिली वन ट्राई करके देखो, ज्यादा तीखा नहीं है। Sure? Yes, पूरा 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 ले लो, पूरा मुंह में डालो, कुछ नहीं होगा। तीखा है? Good. This is good. These are homemade? Yes, they make them all small batch, organic. Weekly if we can. In the pantry, you can keep them jarred for up to a year, 6 months to a year. Oh. Once you open them, put them in the fridge, they're good for about a month. Which cuisine is this? Which cuisine? Sarah originates from, she has Persian background, so the preserved lemons is part of her heritage with the salt and the lemons, and that's the flavor base that she puts throughout. So Mediterranean. Smoky eggplant and this one, and barbecue you want, right? Barbecue. And the chili one. And the chili one. Okay. Chili one is actually not chili, but it's good. It's good, it's sweet and it's hot. And like, he doesn't like chili, but he, today take, he... I don't take chilies. What I do is do not throw... eat the peppers, keep the juice, and put the juice on the rice, put the juice on pasta, on vegetables. Right. That is the flavor. I always keep And then... sprinkle that on everything else. Mera to theek hai fir bhi. Abhi already thak chuka hai ghoomte ghoomte. Market bahut bada hai. Ye market jo hai pichle wale market se bhi bahut bada hai. Main really thak chuka hu. Dono sides pe itne sare dukane hai. Baap re baap. Ye never ending market hai. But one thing I can say is यहाँ पे जितने भी vegetables है बहुत fresh है than the supermarkets. That's what I realize it. और fresh है और tender है, मतलब वो आप मतलब vegetable को हाथ में जैसे लेंगे आपको पता चलेगा difference. In Calcutta, you usually get this, and this is really tasty. We love this actually. Thank you. So I was really surprised to get it here in Canada. Yes. Yeah, I haven't expected this to be in India. Yes, this is kumrafun. पम्पकिन फ्लावर, तो हम लोग बंगाली में बहुत खाते हैं ये वाला फ्राई करके, बहुत टेस्टी बनता है ये। और ये यहाँ पे मिलेगा मुझे आइडिया ही नहीं हुआ था, देखिए फ्रेश फ्लावर्स मिल रहा है। सो दिस आर ज़ुकिनी ब्लॉसम। यस डेफिनेटली, आई जस्ट लव दिस। We fry it and have it, so it is very tasty.
ऐसा अगर वेजिटेबल शॉप हो ना इतना सुंदर कलरफुल तो जाके देखने का मन करता है. फ्रेश ब्रूड कॉफी तंजानिया. वेयर इज द कॉफी फ्रॉम? ऑल ओवर. या आई सी ऑल ओवर द प्लेस. पेरू, ब्राजील, या ऑल ओवर. This is from Tanzania, light roast. Okay, you have coffee, it's amazing coffee. And this is medium roast, Ethiopia. Smell, kya dekho? Smell dekho iska. Oh God, so nice smell. Bahut acha smell hai na coffee ka. So which one do you recommend? Which one is good? All of them. Pick one each. They're all delicious. Oh God. I've roasted each time different. Yeah. It's very, very spicy. Oh. If you love something that's really spicy, mm-hmm. And I can assure you that the pico chili is the best. Yeah. Yes, spicy is your flavor. So the look of it, you can see that it's really spicy. Yes, I love spicy. Oh. We also have the Indian pico carrot. Oh, mm-hmm. That one is amazing. Which one? Carrot? Oh, Indian the carrot. Pico carrot. Oh, okay. Yeah. Is it homemade? Yeah, I made it. Oh, you made you it? Made it. Yeah. Okay. How did you learn Indian pickle? I don't know. I've been keep asking myself, how can I am African and I'm making Indian stuff, but that's good. Yeah, that's really good. Yeah. So यहाँ पे ना सारे pickles मिल रहे हैं, अपना Indian अचार मिल रहा है और वो भी ये बना रही है अचार. तो मैंने इसीलिए पूछ ली कि आपको कैसे आता है अचार बनाना. We have for a jam, we have the hot chili pepper I just made yesterday. Oh, okay. This one, one after the... Yeah. This one? Yeah. Oh. Cherry pepper chutney. Hot cherry pepper. Yeah. That one? Oh, or my God. Wrong line, but she has followers. And what about this one? Pickled cauliflower. Yeah, pickled cauliflower is like not too spicy, but a little bit light. Light. Yeah. Just. Pickled cauliflower, pickled brussels and the chili pickle. But if one really spicy... the chili. Chili and pickled carrot. I assure you are going to come back. Yeah? 100% you are going to come back. Okay. So. Ours is Avilini Diaries. I call him Sambhavna Singh. Okay. Okay. So you want to take something? So he likes sweet, I like spicy. We also have the pear lavender, the peach cinnamon, the blueberry caramel, amazas. Just check it first. Everything for you to make toast. Okay. Anything, put in everything. Try it. It's good to try a new thing. Yes. Yeah, absolutely. That's what we are trying. Try that one. Okay. He'll try this one first? Yeah. Okay. He'll take this one. We are here every week. Just come back and tell us. Yeah, yeah. Every definitely. Saturday, right? Every Saturday. Every By the way, what's your name? Jocelyn. Jocelyn. Yeah. Okay, you're from? Africa. Oh, great. Which part of Africa? Cameroon. You visit Cameroon and I visit India. Absolutely, India. Come. No, anytime. What tastes here? It tastes very good. Mm. It's pure Indian touch. Because it's Indian glass. I'm going to make you a okay? So cute. बहुत भूख लग गया है, कुछ खाना है अभी. तो यहाँ पे है करी चिकन और इसके यहाँ पे वेजेस भी है और पॉर्क भी है. तो हम लोग करी चिकन वाला लेंगे. पैटीज है यहाँ पे. तो मेरे हाथ में है तीन तीन पैटीज. तो यहाँ पे हम लोग लिए है दो चिकन पैटीज और एक वेज पैटी. तो चलिए चल के वहाँ पे सामने है ट्राउट लेक, तो वहीं पे करके वहीं पे बैठ के फिर खाते हैं इसको. ये है चिकन पैटिस. ऑलरेडी एक बाइट ले चुकी हूँ. अच्छा है ना? बहुत अच्छा है. सामने देखिए ये ट्राउट लेक. तो यहाँ पे है ना स्पेशली ऑटम सीजन में ये जगह बहुत अच्छा लगता है. मैं कुछ कुछ वीडियो और फोटोज़ देखी हूँ. सो बहुत अच्छा लगता है. ये चारों तरफ का जो पेड़ आप देख पा रहे हो ना, ये सब कलर चेंज हो जाता है ऑटम में, पूरा येलो रेड हो जाता है. तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है. सामने ये ट्राउट लेक है और ये पीछे पूरा यहाँ से फार्मर्स मार्केट. और ये अच्छा खासा बैठने की जगह, सब आप देख पा रहे हो आसपास में सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. बहुत कोई यहाँ पे जो फार्मर्स मार्केट में आए हैं यहाँ पे आके
कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर अभी मतलब पूरा मार्केट घूम के अभी रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो हम लोग भी आ गए रिलैक्स करने। चलिए खाना खाते हैं, भूख लग गई है बहुत। हम लोग का शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग फार्मर्स मार्केट से निकल के आ गए हैं। आप लोग देख पा रहे हो दो दो बैग हम लोग का पूरा भर चुका है, तो मैं यहाँ से मेरा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना भी मुझे चाहिए था घर के लिए सब ले ली हूँ, ज़्यादा ही ले ली हूँ थोड़ा। सो एनीवे ये देखिए हम मुझे ये पार्क में मिल गई है एक ऑटम लीव्स। सो अभी ऑटम बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाली है और देखिए कितना सुंदर रेड कलर का लीफ मुझे मिल गया है, तो ये मैं लेके जा रही हूँ साथ में। सो एनीवे हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हम लोग का चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून गाइज, वी विल रिटर्न विद अ न्यू ब्लॉग विद अ न्यू डेस्टिनेशन। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।